कोलकाता के सदाकत आश्रम में आज कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि सबसे पहला काम संगठन को मजबूत करने को लेकर कार्य करना है। इस प्रेस वार्ता में इनके साथ में कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी भी मौजूद रहे। वहीं उन्होंने राष्ट्र पद मिलने के बाद अपने एजेंडे से अवगत किया। कहा, मैं सर्वप्रथम चुनाव में 50 वर्ष के ऊपर या 50 से कम आयु वर्ग को 50% आरक्षण देने का काम करेंगे। खड़गे ने राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा को लेकर साफ किया कि ये यात्रा चुनाव कोई संबंध नहीं रखता, ये यात्रा समाज को जोड़ने का काम कर रही, तोड़ने का नहीं। वहीं आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने जमकर भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी आरएसएस की पार्टी नहीं है जो बंद कमरे में चुनाव का निर्णय लेती है, ये सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। वहीं आज जनसंपर्क के लिए खड़गे के साथ प्रमोद तिवारी ने भी भाजपा पर जमकर हमला बोला। संक्षिप्त में मैं 4-6 पॉइंट बोलूंगा। लोग मुझे पूछते हैं कि कोई इलेक्शन मैनिफेस्टो आपने तैयार किया, उनको मेरा एक ही उत्तर है, मई में हमने उदयपुर में सभी डेलीगेट्स, खास करके वर्किंग कमेटी के मेंबर्स, एक्सटेंडेड वर्किंग कमेटी के मेंबर्स, इनवाइटीज, सभी लोगों ने मिलके मां चिंतन मंथन शिविर कराया। उसमें एक्सपर्ट्स कमिटीज बनाई, पॉलिटिकल अफेयर्स कमिटी, फॉरेन अफेयर्स कमिटी, एग्रीकल्चर कमिटी, सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट यूथ कमिटी बनाए, और एग्रीकल्चर कमिटी के अलावा दूसरे और दो कमिटियां भी बन गए। उन्होंने एक डॉक्यूमेंट तैयार किया है, उस यानी डिक्लेरेशन का एक डॉक्यूमेंट है। हमने लोगों को वचन दिया है कि अगर हम सरकार में आएंगे तो हम ये सारी चीजें जो उस डिक्लेरेशन में कहे हैं, जैसा कि उदाहरण के तौर पर चुनाव में 50 साल के युवा, उससे भी कम उम्र वाले 50 साल से भी, उनको हम 50% रिजर्वेशन या सीट्स देने का तय किया है, तो वो मैं लागू करने की पूरी कोशिश करूंगा। सबको मनवान कर वो युवाओं को टिकट मिले और वो चुनाव लड़े। अब सब कम्युनिटी पे युवा है, दलित में है, बैकवर्ड्स में है, जनरल में है, खासकर महिला है, ये सबको, और सब संगठन के जितने भी लोग हैं उनको लेकर 50% उनको सीट देना, ये वायदा वहाँ पर जो किया है हमने उसको लागू करने की पूरी कोशिश करेंगे। उसके अलावा किसान, असंगठित कर्मचारी और पब्लिक सेक्टर्स को बचाव से पूछते हैं, नहीं पूछने वाले कौन है, वो बीजेपी आरएसएस के लोग हैं, वो किसको भी नहीं पूछते। रातों रात चीफ मिनिस्टर बदलते हैं, रातों रात अध्यक्ष बदल के नया लाते हैं, एक्सटेंशन भी वही करते हैं, और हमको बोलते हैं कि कांग्रेस में डेमोक्रेसी नहीं, किसी एक को फॉलो कर रहे हैं। अरे हम सबको लेके जाने के लिए एक आज हमने तय किया है, मैं कलेक्टिव लीडरशिप में विश्वास रखता हूँ, सबके साथ कलेक्टिवली कंसल्टेशन का प्रोसेस रखूँगा और सबको साथ लेके मैं चलूँगा। बस इतनी बात मैं आपके सामने कहने के लिए, थैंक यू। देखिए, चुनाव के दृष्टि से वो भारत जोड़ो यात्रा राहुल जी नहीं कर, वो जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक और फिर बाद में बंगाल से लेकर आसाम से लेकर गुजरात तक पाद यात्रा करेंगे, ये भारत जोड़ो यात्रा है, भारत तोड़ो यात्रा नहीं है।
भारत तोड़ने वाले को और जो लोगों को विचारों को जोड़ने के लिए हम काम करेंगे, और वो जो तोड़ने का धर्म में, जाति में, माइक्रोस्कोप कम्युनिटीज में एक के ऊपर दूसरे को उठा उठा कर बर्बाद करना, कभी भाषा के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे, कभी अंतर्गत लोगों को कुछ ना कुछ बोल के वो करते हैं। तो इसलिए हमारा चुनाव के दृष्टि से वो भारत जोड़ो यात्रा नहीं, समाज को, देश को जोड़ने का काम है। वो विचार जो संविधान में है, उस संविधान के विचारों को, गांधी और नेहरू जी के विचार को लोगों में एक जागृति पैदा करना, ये हमारा काम है। धन्यवाद। और इसी सिलसिले में आज हम पटना आए थे, पीसीसी डेलीगेट्स के साथ मीटिंग हुई, क्योंकि कार्यकर्ताओं के प्रत्याशी के रूप में श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब कांग्रेस अध्यक्ष पद के प्रत्याशी है। ये प्रत्याशी है उस हर कार्यकर्ता के लिए जो कांग्रेस के लिए अपना जीवन समर्पित करता है, हर उस कार्यकर्ता के लिए जो दिन रात कांग्रेस की विचारधारा को आगे बढ़ाता है। साथियों, जिस तरह से हमारे चुनाव हो रहे हैं, कई लोग कई तरह की बातें करते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, हम उनसे सिर्फ एक ही बात पूछना चाहते हैं कि भाजपा में अध्यक्ष पद का चुनाव कब हुआ था, वो कौन सी तिथि थी, उनका इलेक्शन डेलीगेट कितने हैं, उनके कौन लोग चुनाव में अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। वहां तो एक ही परंपरा है, डेढ़ लोग, वो भी पूरे नहीं है, डेढ़ लोग एक कमरे में जाते हैं और पाव अध्यक्ष को लेके आ जाते हैं। हम उस परंपरा में विश्वास नहीं करते। हमारे यहाँ आंतरिक लोकतंत्र से देश भर में फैले हुए 9000 से ज्यादा पीसीसी डेलीगेट्स हमारे अध्यक्ष पद का चुनाव करते हैं, और देश के हर कार्यकर्ता की आवाज सिर्फ एक ही है कांग्रेस के, कि श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब अध्यक्ष पद पर अपना कार्यभार की शुरुआत करें। साथियों, श्री खड़गे साहब के बारे में बहुत संक्षिप्त में अपनी बात करूंगा, क्योंकि ज्यादा बात करूंगा दो घंटे का समय लग जाएगा। हिंदुस्तान में अगर कोई, मेरी निगाह में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो 50 साल से ज्यादा समय तक लगातार लोगों से जीत कर आया हो, श्री खड़गे साहब के अलावा। लगातार 9 बार विधानसभा चुनाव आपने जीते, लगातार 2 लोकसभा चुनाव में आपको यशस्वी होने का सौभाग्य मिला, और उसके बाद आज आप राज्यसभा के सांसद हैं। 55 साल का सार्वजनिक जीवन का अनुभव है, और कर्नाटक सरकार का ऐसा कोई विभाग नहीं है जिसको आदरणीय श्री खड़गे साहब ने सुशोभित नहीं किया हो। मुझे लगता है हिंदुस्तान में सिर्फ एक ही ऐसा व्यक्ति है जिसको लीडर ऑफ अपोजिशन विधानसभा में, लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा में, लीडर ऑफ अपोजिशन राज्यसभा में रहने का अनुभव है, वो सिर्फ श्री खड़गे साहब को। साथियों,